बात करते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भागवत ने मोदी के नेतृत्व को यशस्वी कहा। भागवत ने आरएसएस की दशहरा रैली में कहा, मोदी ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए एक सबक है। मोदी के नेतृत्व को मोहन भागवत ने यशस्वी कहा। यशस्वी नेतृत्व में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, ऐसा कहना है मोहन भागवत का। पीओके समेत पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है। मोहन भागवत ने कहा कि यह सरकार काम करने वाली है, पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग कर दिया है। देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि गौरक्षा के लिए कानून को हाथ में न लें। कश्मीर में सीमा पार से जो आतंक फैलाया जा रहा है उस पर भी बोले मोहन भागवत आज। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होनी चाहिए। मोहन भागवत ने आज बहुत ही अहम बातें उठाई सर्जिकल स्ट्राइक पर। विरोधी जो झूठी कहानी फैला रहे हैं उस पर भी बोले मोहन भागवत। सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मनों को सबक मिला है। गौ रक्षकों और उपद्रवियों में फर्क समझना चाहिए। जो बार बार बिना कारण हमारी शत्रुता करता और उपद्रव करता है उसको अलग थलग कर दिया, एक अभिनंदनीय काम इस शासन के नेतृत्व में हुआ है। हमारे सेना दलों ने जो पराक्रम दिखाया है हम सभी लोग उसके गदगद हैं, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जम्मू कश्मीर की चर्चा पिछले दिनों रही, चिंता बढ़ाने वाली परिस्थिति है। संकल्प हमारे नेताओं का पक्का है, ये अच्छी बात है। पहले भी संसद दो बार प्रस्ताव कर चुकी है और अभी भी बार बार वक्तव्य आए हैं कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान सहित सारा कश्मीर भारत का है, की सारी गुणवत्ता है, सारी दुनिया ने मानी है आज और अपने अर्थतंत्र का आधार है। परंपरा के अनुसार गौ माता है और इसका काम करने वाले सारे गौरक्षक भले लोग हैं, इसलिए कानून मर्यादा संविधान मर्यादा के अंदर रहकर ही अपना काम करते हैं। वो लोग कुछ उपद्रव करते हैं ऐसे विषयों को लेकर, उनके साथ गौरक्षा करने वालों की तुलना हो नहीं सकती। उन दोनों को अलग करके देखना चाहिए। ऐसा न देखते हुए बवंडर खड़े करने का शक्तियों का प्रयास है, उपद्रवी शक्तियों का प्रयास है। दशकों से हमारे कश्मीरी पंडित हिंदू बंधु शरणार्थी नाते बाहर है, ये सब लोग वहां अपनी सुरक्षा के प्रति पूर्ण आश्वस्त और सशक्त होकर बसे, भारत भक्त और हिंदू बने रहकर वह अपने अपने स्थान पर जैसे पहले कभी बसते थे उतनी अच्छी तरह रह सके, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करके उनको न्याय दिलाना होगा। कितने साल, दशक बीत गए, अभी भी उनका सपना है, वो पूरा करना पड़ेगा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी के पास। जिस तरह से मोहन भागवत ने आज मोदी की तारीफ करी है खुलकर, उससे उनसे बात करते हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से भागवत ने खुलकर मोदी की तारीफ करी है, सर्जिकल स्ट्राइक को अप्रिशिएट किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए शोभना, पिछले दो दशकों से ज्यादा मैं संघ के इस विजयदशमी उत्सव को कवर करता रहा हूं, तो पहली बार ऐसा हुआ है जब संघ ने खुले तौर पर सरकार के साथ खड़े होकर सरकार के सुर में सुर मिलाए, और इतना ही नहीं तो संकेत और संदेश साफ दे दिया कि आप आगे बढ़ें, संघ आपके साथ पूरी मुस्तैदी और पूरी ताकत के साथ आपका साथ देगा। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा
कि संघ ने जो आज बात कही है, मोहन भागवत ने जो अपने वक्तव्य में कहा है, संबोधन में कहा है, उद्बोधन में कहा है, वो ये साफ है कि कश्मीर और पीएसओ को लेकर कोई भी समझौता नहीं होगा। ये मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को खासतौर से बताना चाहता हूँ कि संघ का जो मुख्यालय नागपुर में स्थित है, वहां पर संघ प्रमुख जहां बैठते हैं, उसके पीछे जो भारत का नक्शा है वो अखंड भारत का नक्शा है, अविभाजित भारत का नक्शा है, जिसमें सीओ के उसमें भारत के नक्शे में शामिल दिखाया गया। तो संघ ने अपनी सोच और सूझबूझ के तहत सरकार और मोदी को ये साफ संकेत दे दिया है कि आपके किसी निर्णय और फैसले को लेकर संघ आपके साथ सैदी के साथ खड़ा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मनीष जी थे हमारे साथ, जो मैं बता रहे थे कि पहली बार खुलकर इस तरह से आरएसएस मोदी सरकार के साथ आई है। फिलहाल